सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि बिलासा गर्ल्स कॉलेज में जो पीजी के कोर्सेज हैं उसमें कितने सीट हैं, उनकी फीसेस क्या है और कौन कौन से कोर्स आपको वहां प्रोवाइड की जाती है, और साथ में देखेंगे बिलासा कॉलेज की कुछ बेसिक डिटेल्स एंड जीजीयू की पीजी एडमिशन। तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बिलासा कॉलेज की कुछ बेसिक डिटेल्स, लाइक बिलासा जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासा, एंड बिलासा कॉलेज अफिलेटेड बाई है अटल यूनिवर्सिटी, जिसे पहले बिलासपुर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। एंड बात करें इस साल की एडमिशन की, तो एडमिशन एक्सपेक्टेड डेट है 15 जून 2022 से स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम नोटिफाई करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड यहाँ पीजी में एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका यूजी का परसेंट, मीन्स आपने ग्रेजुएशन में कितना परसेंट लाया है, उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट यहाँ जारी की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है और उसके लिए फॉर्म भी भरना पड़ता है ऑनलाइन। तो इन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। देन अगर आप पीजी एडमिशन के लिए सोच ही रहे होंगे तो जीजीयू भी आपके ख्याल में ज़रूर से होगा। तो हम आपको बता दें कि जीजीयू में पीजी एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 18 जून को है, तो उससे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। एंड अगर आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, ज़रूर से जा करके चेकआउट कीजिएगा कि जीजीयू में पीजी एडमिशन के लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, सीट फीस, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना फीस लग रहा है, सभी चीज़ों की डिटेल्स दी गई है। तो ज़रूर से जा करके चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देन आप लोगों के लिए एक बेस्ट टिप है, अगर आप पीजी करना चाहते हैं और साथ में पीजी डी सी करना चाहते हैं तो आप जरूर से बिलासा कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ दोनों कोर्स एक साथ अवेलेबल हो जाते हैं। एंड साथ में जो है यहाँ पीजी की कोर्सेज की फीस तो काफ़ी कम ही है, एंड साथ में पीजी डी सी का भी लगभग 12,000 है। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो बेस्ट पार्ट यह है कि जब आप पीजी डी सी के लिए अप्लाई करते हैं और उसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजी डी सी का फीस लगभग लगभग रिटर्न हो जाता है। इट मीन्स बहुत कम बजट में यहाँ पीजी डी सी आप कम्प्लीट कर सकते हैं। तो बिलासा कॉलेज का सबसे पहला जो पीजी कोर्सेस है उसमें है एमएससी फिजिक्स, जिसका फीस है 1784, मीन्स मान के चलिए 1800 है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो रिटर्न भी हो जाएगा लगभग 2000 या फिर 1500 अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। एंड अवेलेबल सीटों की संख्या है 25। देन है एमएससी केमिस्ट्री, और ये भी 2 साल का कोर्स है, मीन्स 4 सेमेस्टर का, और इसमें जो है फीस आपको लगेगा लगभग 1800 ही, एंड अवेलेबल सीटों की संख्या 35। देन है एमएससी मैथमेटिक्स, तो इसका जो फीस आपको लगेगा ये मान के चलिए 5,500 अराउंड है, और अवेलेबल सीटों की संख्या 45 है। देन है एमएससी इन बॉटनी, और इसकी फीस भी लगभग 1800 है, 1784, एंड अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है एमएससी जूलॉजी, इसकी भी फीस लगभग 1800 है और अवेलेबल सीटों की संख्या 25। देन है एमएससी इन एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वाला कोर्स है, तो इसमें जो है आपका फीस है लगभग 1800, अवेलेबल सीटों की संख्या है 25। देन है एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, तो इसका फीस भी लगभग 1800 है, अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है, एंड ये होम साइंस डिपार्टमेंट वालों के लिए है, मीन्स जिसने भी यूजी अपना सीएन या फिर एफक्यू से कंप्लीट किया है उनके लिए। देन है एमकॉम का फीस लगभग 1500 है, 1544, और अवेलेबल सीटों की संख्या 65 है। देन है एमए हिस्ट्री, इसकी भी फीस लगभग 1500 है, 1544, एंड अवेलेबल सीटों की संख्या 50। देन है एम ए इन जियोग्राफी, फीस है 1784, एंड अवेलेबल सीटों की संख्या 50। देन है एम ए पॉलिटिकल साइंस, फीस है 1544, सीट है 50। देन है एम ए सोशियोलॉजी, फीस है 1544, एंड सीट है 50। देन है एम ए इकोनॉमिक्स, फीस है 1544, सीट है 50। देन है एम ए साइकोलॉजी, जिसका फीस है 5,284, मीन्स 5,284, एंड सीट इसमें अवेलेबल है 30। देन है एम ए हिंदी, लगभग 1500 इसका फीस है, एंड इसमें जो सीट है 50 है,
एंड देन है एम ए इंग्लिश, इसका भी फीस सेम है एंड सीट भी 50 है। देन है एम ए उर्दू, इसका जो फीस है 5044 है, मीन्स अराउंड 5000 आपको लगेगा एंड सीट जो है 30 है। देन है एम ए संस्कृत, इसका फीस 6549 है, मीन्स 6500, अवेलेबल सीटों की संख्या 20। देन है एम एस डब्ल्यू मास्टर इन सोशल वर्क, इसका फीस जो है 8500 है अराउंड, और अवेलेबल सीटों की संख्या 20। देन है पी जी डी सी ए, इसका जो फीस है अराउंड 10000 है, 9784, अवेलेबल सीटों की संख्या है 100। एंड यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ से पी जी डी सी ए करते हो ना, साथ में आप एम एस सी भी कर सकते हो, मीन्स यू पी जी का कोई भी अदर कोर्स, और दोनों आपका सेम स्ट्रीम में चलेगा। फर्स्ट ईयर में रहोगे तो भी कर सकते हो, सेकेंड ईयर में रहोगे तो भी कर सकते हो। बेनिफिट इसका ये है कि जब आप स्कॉलरशिप मिलेगा ना, तो आप पी जी डी सी ए के लिए स्कॉलरशिप के लिए करोगे तो फीस जो है लगभग रिटर्न हो जाता है, तो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि पी जी डी सी ए फ्री में हो जाता है जी डी सी से। तो उसके लिए आपको डबल कोर्स करना पड़ेगा, मीन्स एम एस सी के साथ साथ आप जो है पी जी डी सी ए कर सकते हो, या फिर एम कॉम वगैरह जो भी आप पी जी कोर्स करोगे उसके साथ में। देन है पोस्ट पी जी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और इसका फीस है 6500, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसका जो फीस है ये भी 6500 है, अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। और यहाँ पर ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्स है, इट मीन्स 1 ईयर का कोर्स होगा। देन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा साइंस, अगर आप योगा साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो इसका फीस भी अराउंड 5500 के ही है एंड अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। देन है बी लीव, तो बी लीव वैसे ही ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इसका फीस जो है 10514 है, मीन्स 10500 आप बोल सकते हो, अवेलेबल सीटों की संख्या 30। देन है एम लिप भी अब यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका जो फीस है आपको लगेगा अराउंड 12000, यहाँ पर 10000 प्लस 1784 लिखा है, इट मीन्स आपको लगभग 12000 यहाँ का फीस पड़ेगा एंड अवेलेबल सीटों की संख्या जो है 50 है। देन है ओनसो न्यूट्रिशन, और इसका फीस यहाँ पर 3000 लिखा है, अवेलेबल सीटों की संख्या 50 है। और ये सारे तो कोर्सेज कंप्लीट हो गए, एंड ये तो हो गई बिलासा कॉलेज की पीजी कोर्सेज की डिटेल। इसी तरह से बिलासपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी भी डिटेल जाननी है, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में हम सारे कॉलेज के डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।